सबसे पहले आपको हमारा चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सर, आज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ही पीसफुल एक रैली रखा गया है और आज का ये कार्यक्रम भी बहुत ही शांतिपूर्वक किया गया है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जो आज यो ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है कि हमारा जीवन में, हमारा मनुष्य की जीवन में जो वाइल्ड लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है, उसका बारे में थोड़ा जनता को बताएं। पहले सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद और आज यहाँ आप सब आए हैं इस सेलिब्रेशन में। ये एक वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। आज हमारा एलोंग फॉरेस्ट डिवीजन का तरफ से जो आज वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो आज इस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन का तरफ से यहाँ हायर सेक्रेटरी में सेलिब्रेशन किया है, ये एक बहुत अच्छा बात है। कि क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ जो एक इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ में, अगर ह्यूमिनिटी को बचाए रखना है तो हम वाइल्ड लाइफ को हम बचाए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटर रिलेटेड है। और ये जो काफ़ी आप सब देखता है कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में ऐसा हमारा एक्सटिंक्शन होगा कि जो आज हम दिखाई देता है वो भी दिखाई नहीं देंगे। और इसके लिए ये जो आज हम ये सेफ और जो आज प्लेस जो हम ले रहा है वो सेलिब्रेशन सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए टू सेव द एनिमल्स फॉर द फ्यूचर ह्यूमिनिटी। ये एक बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो ये आज का सेलिब्रेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है और मैं यहाँ का जो आम जनता और यहाँ का जो पब्लिक है सब उसको एक मेरा तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि उसको हम उसको प्रोटेक्शन और ये सेफ रखना हमारा बिल्कुल ज़रूरी आने वाले समय के लिए। और सर, सभी को पता है कि ये एनिमल्स जो बहुत ही हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्रकृति को एक संतुलन बनाए रखने के लिए उनका अहम भूमिका होता है। तो इसी के चलते हमारे भारत सरकार ऐसे कहीं मुहिम चलाया गया, ऐसे कहीं एक किया गया है कि मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया जाए। लेकिन भी देखा जाए तो अभी आम मतलब जगह जगह पर उसका बहुत ही शिकार कर रहे हैं। तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये जो है इसका एक अवेयरनेस नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है हमारा आम जनता का। तो इसी कारण से ये आज ये जो ये भी रखा गया है कि तो एक अवेयरनेस हो, एक उसको प्रिजर्वेशन का लेके। तो मैं यहाँ का जो एलोंग फॉरेस्ट डिवीजन को भी मेरा एक अपील रहेगा कि ये आने वाले समय में एक स्टोर से अवेयरनेस रखे और स्पेशली यहाँ हमारा जो एक प्रोग्राम से सरेंडर ऑफ जो एयर गन वो हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लागू हो, ताकि हम उसको इस मुहिम को हम उसको प्रैक्टिकली हम फील्ड लेवल में जो हमारा गांव तो हम इम्प्लीमेंट कर सके इस प्रिजर्वेशन को लेके। सर, ऐसे कहीं जो जागरूकता के लिए जो प्रोग्राम तो कार्यक्रम चलते ही रहता है, ये तो आम सी बात हो चुका है हमारा, खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे यहाँ में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हर जगह, अधिकतर हर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर गांव होता है और गांव एरिया में ज़्यादातर शिकार होते हैं। तो सर, आपको नहीं लगता है कि जो एनिमल्स को शिकार करने के लिए उन सभी को रद्द करना कर दिया जाना नहीं चाहिए जो इसको रोकने के लिए? मैं उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जो मेनली जो बड़ा जो गान से तो शिकार तो ठीक है वो नहीं होता है, इसके लिए जो छोटा एयर गन है स्पेशली जितना भी बाढ़ से छोटा छोटा सीरिया है और उसको शिकार इसका जो हंटिंग किया जाता है, इसके लिए उसको हम लोग का यही एक मेरा डेपो आलो जो वाइल्ड लाइफ जो डिवीजन का टॉप से भी वही है कि प्रैक्टिकली उसको अगर लाना होगा तो ये एयर गन सरेंडर हो और हम लोग कोशिश करेंगे। तो सर, आपने अभी स्पीच के दौरान कहा था कि एजुकेशन को लेकर कहा था कि हमारे जीवन में एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर आपने स्टूडेंट को कहा था कि हमारा एजुकेशन को अच्छे से लेना है। लेकिन कोई कोई ऐसा है कि एजुकेशन का महत्व को नहीं जानता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन को लेके ये एजुकेशन सिर्फ सर्विस का जॉब का बात नहीं है। अगर आप एजुकेशन होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक क्वालिटी लाइफ होगा, आपका लाइफ एनलाइटेंड होगा और आपका नॉलेज होगा। तो इस तरह से एजुकेशन एक बहुत हमारा सोसाइटी में अगर सुधार अगर मेन सेंस ला सकता है तो एजुकेशन ही है। तो अगर हमारा सब लोग एजुकेशन अगर डिग्री एजुकेशन होगा तो इसका सोच और थिंकिंग जो है चेंज होगा, तो इस माइंड सेट जो है चेंज होगा, तो इस तरह से हम हमारा सोसाइटी में स्पेशली उस जो आगे हम लोग पुश कर सकते हैं। और आज का डेट में जो एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सिर्फ यही नहीं कि हमको नौकरी में करना है,
अगर आप ग्रेजुएट करोगे तो आपका लाइफ थिंकिंग क्वालिटी चेंज हो जाता है, इससे एक बहुत अच्छा चीज़ है और हमारा सोसाइटी में एक क्वालिटी लाइफ होगा। तो इसके लिए एजुकेशन आज का दिन में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ का स्पेशल हमारा स्टूडेंट्स है वो आप सबको भी आपका माध्यम से आपका थ्रो मेरा अपील रहेगा कि एजुकेशन को ध्यान दे और यहाँ हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो ड्रग्स का भी बहुत यूजेस और मैनेज बहुत है, काफ़ी बढ़ गया है। तो इस चीज़ में इंदाज ना हो, हमारा जो आपका स्पेशल स्टूडेंट्स के ऊपर में जो पेरेंट्स का एक उम्मीद है कि आप सब आगे पढ़ाई लिख के उनको ट्यूशन में उसका पालन पोषण हो उनका, तो अपना का भी फायदा होगा और अपना पेरेंट्स के लिए फायदा होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ सर्विस का नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि एक क्वालिटी लाइफ भी एक हो जाता है कि इन केस इफ यू आर एजुकेटेड। और सर आपने और एक बात जिक्र किया था कि सक्सेस को लेकर अगर आप जीवन में अच्छे मेहनत करेंगे, अच्छे पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस होंगे और आप अच्छा नौकरी, आप अच्छा एक अच्छी एम्प्लॉय बन सकता है, आपने ये जिक्र किया था। लेकिन और अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे तो जो MLA का बच्चा है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर का बच्चा, वो लोग नहीं बनेगा, आप बनेंगे, आप ये कहा था। लेकिन अभी हम देखा जाए तो जो नौकरी जो करता है, जो मेहनत करता है वो रह जाता है, लेकिन जिसका पेशा वाला है वही वो चीज़ को ले लेता है। इसके लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी बहुत स्कैम चलता है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? स्कैम जो है अभी अरुणाचल में काफ़ी रिफॉर्मेशन लाया है, स्पेशली हमारा पेमा खांडू का गवर्नमेंट में अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू। तो स्पेशली पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंटली जितना भी रिक्रूटमेंट होता था उसको ख़त्म तो कर दिया है। तो ठीक है, APC SSB में आप बोलिए, देन APSSB बोलिए, जितना भी इसमें हम जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एनी इस एग्ज़ाम में हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। तो देखा जाएगा तो बिल्कुल मैंने फेयर एंड क्लीन है, कोई चांसेस नहीं कि वो इसमें कोई उधर उधर हो। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस है, आज आपने APCS में कुछ PSQ चल रहा है, ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। तो ये तो प्रोसेस और इसका जो ये रूल्स और रेगुलेशन का बात नहीं है, ये एक आदमी का एक जो उसको कंडक्ट कर रहा है उसका एक करप्टेड माइंडेड है, उन्होंने किया है उसको हम एक्सेप्शनल केस में हम ला सकते हैं। ये नहीं कि वो हम ऐसा हमेशा होगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक ये अपील है कि बिल्कुल प्योर एंड क्लीन है, आप जितना भी यहाँ का स्टूडेंट्स है बेफिक्र करके एग्जाम पास से प्रिपरेशन करके आगे अपना फ्यूचर बनाएं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा तरफ से रहेगा सर। हम पब्लिक से ऐसे सुनने को मिला था कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का DC जो बहुत ही इनफेक्टिव है, ऐसा सुनने को मिला था, इसमें आपका क्या विचार? इनफेक्टिव और इफेक्टिव तो हम तो नहीं बोलेगा मेरा तरफ से, तो मैं तो कोशिश हमेशा करता हूँ और सिर्फ अगर कोई लेकुना है तो अगर कोई मेरा तरफ से कोई इफिशेंसी इनएफिशेंसी है या कोई ऐसा कुछ इश्यूज है वो हमारा नॉलेज में लाना चाहिए और हमारा कोई अगर कोई काम है कुछ हमारा इंटरवेंशन चाहिए कोई प्रॉब्लम्स है हमारा नॉलेज में नहीं लाना, मेरा नॉलेज में लाना चाहिए तो ताकि मेरा तरफ से उसको रिडर्सल हो और मेरा तरफ से उसको अटेंड कर सके। ऐसा नहीं है कि चुपचाप घर में बैठेगा, DC नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं होगा। पब्लिक का बिल्कुल कॉपरेशन चाहिए। आप देखिए यहाँ में कितना इश्यूज हैं, अगर DC का अगर इनइफेक्टिव होता तो ये आज ऐसा नहीं होता। तो मेरा तरफ से हम आदमी का वो अपना थिंकिंग है, अपना व्यू है, वो क्या कहता है, लेकिन मेरा तरफ से हम कोशिश हमेशा करता है कि हमारा जब तक हम हैं वो हम पब्लिक को टाइमली सर्विस दे और हमारा जो भी हमारा तरफ से जो कर सकते हैं हम करें, मैंने हम सर्विस को देना है बोल हम हमेशा कोशिश करते हैं। पब्लिक का व्यू को तो हम नहीं बोल सकते अगर क्या है।